बिहार के सीतामढ़ी जिले में जल्द ही मां सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी। बता दें कि मां सीता की यह प्रतिमा रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान के द्वारा स्थापित की जा रही है और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पूरे विश्व में यह माता सीता की ऐसी पहली प्रतिमा होगी जिसकी ऊंचाई 251 फीट है और इसे सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना डुमरा के राघोपुर बखरी में की जा रही है। इस मूर्ति स्थापना को लेकर रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सीतामढ़ी सांसद सुधीर कुमार पिंटू और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्रनाथ जी महाराज के द्वारा मूर्ति से जुड़ी सभी बातों को बताया गया। उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी माता सीता की इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए राघोपुर बखरी के महंत के द्वारा रामायण रिसर्च काउंसिल को कुल 18.40 डिसिमल भूमि दान में दी गई है। वहीं भविष्य में इसके विस्तार को देखते हुए उस क्षेत्र के किसान के द्वारा भी जमीन देने पर सहमत जताते हुए कुल 6 एकड़ की भूमि का एग्रीमेंट कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सीता माता की मूर्ति स्थापित करने के लिए रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से अब तक कुल 24.39 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट किया जा चुका है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अभी और भूमि के अधिग्रहण के लिए श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति के अध्यक्ष तथा स्थानीय सांसद के द्वारा किसानों से निरंतर संपर्क किया जा रहा है जो जल्दी ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही संसद के द्वारा सीतामढ़ी निबंधन कार्यालय के माध्यम से बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और अपील की गई है कि इस स्थल के आसपास की कुल 33.86 एकड़ भूमि का रजिस्ट्री शुल्क माफ कर दिया जाए। वहीं अगर सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी जाती है तो प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेज दिया जाएगा। सांसद ने बताया कि महिलाओं के लिए माता सीता ही एकमात्र ऐसी उदाहरण है जिससे उन्हें बल मिलेगा। अगर यह कार्य पूरा हो जाता है तो यह स्थल विश्व की नारी समाज का प्रेरणा एवं दर्शन का केंद्र बनेगा। वहीं आज के युवा माता सीता को अच्छी तरह से जान सके इसके लिए पुस्तिकाएं बनाकर अधिक से अधिक पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि माता सीता की मूर्ति स्थापना के लिए केवल हिंदू के द्वारा ही नहीं बल्कि सभी धर्म तथा सभी वर्ग के लोगों के द्वारा सहायता दी गई है। सांसद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मूर्ति स्थापना के लिए मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के एक किसान के द्वारा भी पूरे भावुकता के साथ करीब 2.5 कट्ठे जमीन दान के रूप में काउंसिल को दी गई है। माता सीता की मूर्ति स्थापित किए जाने वाले इस स्थान को रामायण रिसर्च काउंसिल के मुख्य मार्गदर्शक श्री श्री 1008 परमहंस स्वामी शांतिपेंद्र जी महाराज चाहते हैं कि यह स्थल शक्ति स्थल के रूप में विकसित हो, यह कार्य पूरा हो सके और माता सीता को श्री भगवती के शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके लिए 51 शक्ति पीठों समेत इंडोनेशिया, बाली, अशोक वाटिका जैसे स्थानों से मिट्टी व जल लाकर और मध्य प्रदेश में नलखेड़ा स्थित माता बगला मुखी जी की ज्योति को लगाया जाएगा। फिलहाल अब तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि माता सीता की यह 251 फीट ऊंची प्रतिमा कब तक बनकर तैयार हो जाएगी और यह स्थान भक्तजनों के लिए पूर्ण रूप से कब तक खोल दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।